सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब एकदम मस्त मज़ेदार और आप ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ दोपहर से, और ये पानी गिर रहा है क्योंकि बारिश देखो बहुत ही ज़्यादा। और मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ता करने, मैं जा रहा हूँ पटेल टी पॉइंट में नाश्ता करने, क्योंकि दिव्यराज को भूख ऐसी लगी है कि वो बोलता है मेरे को खाना खाना है, और मेरे को बॉर्नविटा भी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ पटेल टी पॉइंट। और नज़दीक भी होता है तो निकल जाता है यहाँ से, बारिश बहुत है और ऐसे पानी में बारिश आ जाए तो पूरे भीग जाएंगे। छाता लेके मैं आया नहीं, करने के बाद संजू भाई के वहाँ पे आया, संजू भाई के वहाँ पे सब साफ सफाई चल रही है। क्या कर रहे हो, कैसे हो? बस बढ़िया। आज हम छुट्टी पे हैं, आज संडे है। संडे है? आज संडे है। सात समुंदर पीछे पीछे। क्या कर रहे हो? क्या हाल है गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ कि आपके शहर में भी बारिश होगी। बहुत बारिश है हर जगह, और हमारे शहर में तो देखो पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया, सूख गया अभी तो। अरे हम, मैं भी डूबा हुआ ही था। अरे रे, डूब के बाहर आ गए हम तो। डूब के मैं बाहर आ गया। और कैसे हो बताओ? बढ़िया है सब। आज क्यों इतनी देर से? आज मैं बस ऐसे ही टेबलों पर कपड़ों मार दिया। साफ सफाई चलती है, चलो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं फिर कल। चलो बाय। तो गाइस ऐसे ही मैं घूम रहा था, संजू भाई से बात कर रहे थोड़ी, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से घूमते घूमते फ्लैट पे, क्योंकि आज तो संडे है, संडे फंडे। तो गाइस आज कुछ तूफानी करते हैं, और गाइस तूफानी में ऐसा है कि हम लोग जूने कपड़े बेच के नए कपड़े लेने जा रहे हैं। बैग भर के जूने कपड़े बेच के नए कपड़े लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक ऑफर आया एक जगह पे, तो हम लोग जा रहे हैं ब्रांड फैक्ट्री, फैशन फैक्ट्री नाम है, वहाँ पे जूने कपड़े देके नए कपड़े ले सकते हैं। तो ये सब लोग रेडी हो चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फैशन फैक्ट्री। भाई आज तो पूरे कपड़े बेच देंगे, पुराने भाई बहुत सारे कपड़े लेके आए। चलिए गाइस अंदर जाते हैं। सो गाइस कपड़े दे दिए, अभी कूपन दे रहे हैं लोगों को, कूपन लेके हम लोग जाएंगे खरीदने। बहुत सारी दिए हमने, बहुत सारे कूपन मिलेंगे। देखो गिन रहा हाँ गाइस, कूपन आ रहा है, खोली नालू का। हाँ हाँ देखो गाइस कूपन देखो, पागल हो जाएगा वो, गिन गिन के थक गया कितनी कूपन देनी है। देखो गाइस इतनी सारी कूपन और कपड़े भी हम लोग ले गए अभी, और चलो ऊपर जाते हैं अभी। गाइस हम लोग अभी चेक कर रहे हैं ट्रायल रूम में, और अंदर दिव्यराज और आदित्य दोनों लोग चले गए हैं, वो बाहर आते हैं इसलिए उनको बोलते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो वो ट्रायल करने दोनों चले गए। दो लोग अंदर क्या करें गाइस, हमने शॉपिंग तो कर ली लेकिन हमारी थैली पता नहीं कहीं पे खो गई है, तो ये दोनों लोग भी अभी थैली ढूंढ ही रहे हैं, मतलब जो बैग हम लेके आए थे। भाई किधर रखा बैग, दोनों के पास था? मैं तो मार दो कसू ना तुम्हें हूँ हम लोग। भाई किधर गया बैग? अभी गाइस हम लोग बैग ढूंढ रहे हैं, बैग ही नहीं मिल रहा है, हमारे बैग ये लोग कहीं पे रख दिया और फिर ऐसे ही घूमने बैठ गए। तो गाइस ले ली थैली, मिल गए हम लोगों को वहाँ पे कहीं पे थी, और हम लोग अभी खुश हो चुके हैं और जा रहे हैं बिल बनाने, देखते हैं कितने का बिल बनता है। मैंने ना एक फॉर्मल की जोड़ी ली है और एक जींस का पैंट लिया है। तो गाइस शॉपिंग कर लिया फाइनली, और अभी ये सब अपने हायाबुसा में रख देंगे डिक्की में, और यहाँ से जा रहे हैं अभी इस अभी यहाँ से जा रहे हैं। और वो जो गाना बनाया ना, मक्के बा वो रहा देखो। मक्के बा अपन बैठेगा तो अभी आने जा रहे हैं। चलो लहंगा हमने लिया है, इसने लहंगा लिया है। हाँ भाई, और अभी इसको भाई बोल देता है भाई भाई चलो। ऐसे हम लोग अभी सोच में पड़ गए कि मेरी हायाबुसा कहाँ चली गई, लेकिन फिर पता चला कि मैंने बाहर रखी थी हायाबुसा, और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। खुद रख के खुद भूल जाता है। हाँ भाई खुद रख के खुद भूल जाता हूँ, तेरे जैसा ही सब चीज़ें भूल जाता हूँ भाई। मैं तो रोहित शर्मा का जैसा, और मैं नहीं ले लूँगा, तू क्या करेगा? मैं भाई एक्टिवा कहाँ से अभी नहीं लूँ। हाँ मैं भी नहीं ले लूँगा, लेकिन कुछ सालों बाद।
जब खुद के पैसे कमाते रहेंगे एकदम डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल अमाउंट में, तब ले लेंगे गाइस। चलो अभी जाते हैं। तो गाइस मस्त घर जैसा खाना खाने बैठे हैं, और दाल भी देखो घर जैसी है मस्त। दाल पति गए भाई। हाँ दाल मंगवा ले भाई। तो गाइस खाना वाना खा के आ गए, और अभी मैं और जिगर है ना फ्लैट की छत पे बैठते हैं, क्योंकि बारिश तो अभी नहीं हो रही है लेकिन माहौल अच्छा है, तो नीचे कंटाल आ रहा था, हमने उससे ऊपर जाते हैं। और फिर अर्पित का फ़ोन आया भाई। ये दो क्या मेरे दो फ़ोन लेके आया। अच्छा एक फ़ोन उसने ना उसके पापा के ले लिया है भाई। अर्पित इतना वो हो गया है ना अब तो, मतलब एक जिम्मेदार इंसान, कि उसके पापा के लिए भी उसने फ़ोन ले लिया है, गिफ्ट देने वाला है, और वो फ़ोन भी लेके घूम रहा है। धीरे से आना भाई। और जिगर हम कब लेंगे भाई पापा के लिए फ़ोन ऐसा? अभी चलते हैं। अभी कहाँ जॉब कर रहे गाइस? अर्पित तो जॉब करके पैसे कमा के फ़ोन ले रहा है, हमारे भी पैसे आ जाएंगे, फिर कमा के पापा को भी फ़ोन देंगे। तो अभी बैठते हैं यहाँ पे। और क्या गाइस, ये देखो अर्पित अप्पू डॉन आ चुका है। और अभी मैं जिगर और अर्पित हम तीनों बैठे छत पे, और वाइब ही वाइब है यहाँ पे। मेरे छत की बहुत सारी यादें है गाइस यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं जिगर? यो ब्रो, हमारे छत की बहुत सारी यादें बनाई हम लोगों ने, भी शेयर कर रहा हूँ। आज ये भी शेयर कर रहा है, तो इसकी भी यादें बन जाएगी। हम लोग बहुत बहुत यादें बनाई है भाई ये छत की। हाँ बस यादें ही बनाएंगे। तो कोई नहीं गाइस, मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। जय श्री राम, जय हिंद। वीडियो को अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट करना मत भूलना। पीस आउट, बाय बाय।